What does the graph say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दे। ये आज का सिनारियो है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,327 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,225। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के जस्ट नीचे ओपन हुआ और क्विकली एक 5 मिनट में ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया, सेकेंड टारगेट के भी नीचे गया, S1 का सपोर्ट लिया पिवट पॉइंट का और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ओपन हुआ था, पर यहाँ से जैसे ही बाउंस बैक हुआ तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था, इसके पास इसने दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, दो अटेम्प्ट फेल हो गया और तीसरे अटेम्प्ट में जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट 14,351 अचीव्ड हुआ और फिर से एक बार इसने ब्रेकडाउन लेवल ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ और तेज़ी से बढ़ा और सेकेंड टारगेट 14,385 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। तो जैसे कि कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 27 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो जैसे गैप अप और गैप डाउन ओपन्स होते हैं शुरू में मार्केट में, तो जो यूएस मार्केट जो सुबह बंद होता है उसके बाद जो ग्लोबल न्यूज़ आते हैं उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। तो जब तक अपना ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल ये जब तक फिर से ब्रेक ना हो तब तक एंट्री लेना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स चाहिए उसके लिए ट्रेड करने के लिए, तो वेट एंड वॉच करें। जब फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने की, तभी एंट्री लेना सही साबित होगा। ठीक है, तो ये एक क्विकली रिव्यू था कल के एनालिसिस का। अभी कल यानी फ्राइडे को क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो कि एक बाउंस बैक का सिग्नल देता है। नेक्स्ट डे हमने देखा भी गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया। कन्फर्मेशन के लिए ये जो कैंडल बना हैमर का, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है और ग्रीन कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ओपन तो हुआ ऊपर की तरफ गैप अप ओपन लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से एक बार इसने 100 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। अगर हम ये जो लास्ट यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव आया था इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालें तो आप देख सकते एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हो रहा है। इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है, डे क्लोज इस लेवल के नीचे नहीं हो पा रहा है 14,297। तो काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ज़बरदस्त निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज अगर हम RSI और प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर RSI में अभी हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जब RSI में हायर बॉटम्स बनते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी एक बाउंस बैक है, लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए हमें ये फिर से एक बार ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी इंडेक्स काफ़ी ज़रूरी है, तो हमें यहाँ पर इसका अपसाइड मूवमेंट का कन्फर्मेशन मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है इस समय। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी ये जो आज का हाई बना है इसके जस्ट ऊपर ये 50 EMA का ब्लू लाइन आ रहा है आर्ली चार्ट में, 60 मिनट के चार्ट में, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए और इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में ये इस तरह से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, तो जो लेवल पास्ट में सपोर्ट का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी 14,456 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,478, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,500, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है 20 EMA हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा इसने
सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है, तो फिर से हो सकता है इस लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करे और बाउंस बैक हो, तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली 14,361 को, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,338, ये हमारा हो सकता है फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 14,316, ये हमारा हो सकता है सेकेंड टारगेट निफ्टी के लिए। तो ये है निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अभी ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, तो इस गैप का ये जो इनिशियल पॉइंट है यानी 31,901 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है कल, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,043, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 EMA का ग्रे लाइन, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करें। आप देख सकते हैं यहाँ से फेल हुआ था बैंक निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड साउथ की तरफ आया था, तो ये हो सकता है हमारा सेकेंड टारगेट 32,154। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, अगर हम इसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम बना ली है, ट्रिपल बॉटम, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमें तेजी अभी देखने को मिले। लेकिन ये जो यहाँ से लास्ट फॉल आया था, एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, ये अगर ब्रेक होता है तो और निफ्टी यहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखा सकता है। तो अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर आता है तो यहाँ पर जहाँ पर इसने कल गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ से फेल हुआ, फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तो ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करे। तो 31,592 के नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फ्राइडे के लिए। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 31,496, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,405, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये इंट्राडे के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्राइडे के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।